everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I'm Shreya. I'm a second year MBBS student at Government Medical College and Hospital, Chandigarh. It would mean a lot to me if you'll take a moment and subscribe to my channel. This is the only way I know you'll like my videos and it will motivate me to make even more for you. So in this video, I'm going to discuss all the resources which I used for anatomy. बहुत सारे स्टूडेंट्स ड्रेड करते हैं एनाटॉमी को कि हम याद कैसे करेंगे, बहुत सारा सिलेबस है, सब कुछ याद कैसे रहेगा. वाइवा से तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं एंड बहुत ज़्यादा ह्यूज सिलेबस वाला सब्जेक्ट लगता है ये एंड काफ़ी लोगों का वीक भी होता है. तो एनाटॉमी में बेसिकली यू हैव द बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी जो बेसिकली सारे स्ट्रक्चर सारे सिस्टम्स के ऑर्गन्स के बारे में होती है एवरीथिंग. देन यू हैव एम्ब्रियोलॉजी which is related to the development of various systems, organs and everything. Then you have histology, जिसमें तुम्हें histological components and everything के बारे में पता होना चाहिए. And then you have neuroanatomy separately, अगर हम consider करें तो इन सब के लिए different different books use होती है. बहुत सारी multiple books which you can use, but जो मैंने use की थी मैं वो highlight करूँगी इस video में and you can try and see which one works for you. Initially मुझे भी बहुत दिक्कत आई थी anatomy से deal करने में and मुझे नहीं फिगर आउट हो पा रहा था कि मैं कौन सी बुक से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, कितनी देर पढ़ूँ, कितना कहाँ से पढ़ना है, सिर्फ मार्क टॉपिक्स पढ़ने हैं एंड पेपर्स की कैसे प्रिपेयर करूँ, उसको कैसे करूँ बेटर. एंड जस्ट नो दैट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस जो चीज़ें मेरे लिए वर्कआउट करी एंड जो मेरे लिए हेल्पफुल थी. डिफरेंट बुक्स डिफरेंट लोगों के लिए हेल्पफुल होती है. एमबीबीएस में इट्स नॉट लाइक कि कोई एक बुक ही है जो बेस्ट है, सबको सबके लिए वर्कआउट करेगी. वो कुछ बुक्स कुछ लोगों को टफ लगती है, कुछ बुक्स कुछ लोगों को बहुत ईजी लगती है, कुछ लोगों को लगता है कि इसमें कम इन्फॉर्मेशन है, कुछ लोगों को लगता है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है. तो सब कुछ चलता रहता है. बट आई एम गोइंग टू डिस्कस जो चीज़ें मैंने की थी. यू कैन ट्राई दीज आउट, स्पेशली अगर आपका अभी भी फर्स्ट ईयर शुरू हुआ है तो यू कैन ट्राई दीज आउट. यू हैव टाइम, यू कैन फिगर आउट व्हाट वर्क्स द बेस्ट फॉर यू. सो इनिशियली जब मैं कॉलेज आई थी तब मेरे को सबने एक बुक रिकमेंड की थी, दैट इज बी डी चौरसिया. इट इज़ अ वेरी गुड बुक, बट इनिशियली मेरे को वो बहुत टफ लग रही थी. बिल्कुल जब तुम कॉलेज में एमबीबीएस में आते हो ना, तुम्हें बहुत ओवरवेलमिंग लगता है, बहुत सिलेबस है, स्पेशली एनाटॉमी का तो बहुत ज़्यादा है, तो तुम्हें बहुत ओवरवेलमिंग लगता है, तुम्हें लगता है कैसे करेंगे एंड काफ़ी कुछ है करने को. तो मेरे लिए बी डी सी बहुत टफ लग रही थी मुझे इनिशियली. सो I did not do it initially. मैंने कुछ आई थिंक अपर लिम के लिए बी डी सी नहीं यूज़ की. वन थिंग दैट वॉज अ सेवियर फॉर मी वॉज डॉक्टर अश्विनी कुमार वीडियोज एनाटॉमी वीडियोज. ही इज़ एन अमेजिंग टीचर एंड मेरे लिए तो जेन्युइनली इट वॉज लाइक अ सेवियर. एंड मैंने वो वीडियोज़ देखने शुरू किए. सर बहुत अच्छे से समझाते हैं हर टॉपिक को एंड इट्स जस्ट अमेजिंग. तो मैं एनाटॉमी पढ़ने में मज़ा आता है. जो मेरे को लगता था कि इतनी मुश्किल है, बोलेंगे कैसे रट्टे कैसे मारेंगे, रट्टा ये तो सब कुछ कैसे करेंगे, ही मेक्स यू विजुअलाइज एवरीथिंग एंड वो बस इस वे में एनाटॉमी पढ़ाते हैं कि तुम्हें मज़ा आता है पढ़ने में. सो आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड. पहले आई थिंक ही वॉज टीचिंग इन ई गुरुकुल एंड वहाँ पर एनाटॉमी का पैकेट खरीदते थे, बट नाउ ही हैज़ रिसेंटली मूव टू मैरो. So he is an amazing resource. I think everyone, especially in first year, you should watch his videos. बहुत बहुत अच्छे हैं, मेरे को बहुत अच्छे लगते थे. सो मैं अश्विनी सर के वीडियो से पढ़ती थी एंड उसके बाद मैं उनकी नोट्स बनाती थी साथ साथ अच्छे से एंड नोट्स से पढ़ के आई यूज टू रीड द सेम थिंग फ्रॉम बी डी सी जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते थे. आई एम जस्ट गोइंग टू से दिस राइट नाउ एंड अ लॉट ऑफ यू माइट नॉट एग्री विद मी, बट जो न्यू आया मतलब एम बी बी एस करने, बाकी जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनको तो पता ही होगा, बट हर चीज़ नहीं पढ़नी होती. दिस इज़ नॉट स्कूल, यू विल नॉट गेट 5 out of 5, ठीक है. एंड इट्स नॉट लाइक तुम सब कुछ पढ़ के जाओगे तो तुम्हारा पेपर तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला. 60-70% इज़ वेरी गुड, इट्स अ गुड स्कोर. पासिंग होना भी अच्छा होता है. आई नो सबको मैं अभी स्टार्ट हुआ तुम्हें लग रहा होगा कि क्या बोल रही है, ऐसे थोड़ा होता है, बट ट्रस्ट मी, इवन इफ यू पास इन योर फर्स्ट एनाटॉमी टेस्ट, दैट्स अ ह्यूज डील. सारे टॉपिक्स नहीं करने हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, बी इन टच विद द सीनियर्स, टॉक टू देम, आस्क देम. नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू मोर देन योर सीनियर्स इन कॉलेज, ट्रस्ट मी. सो आस्क योर सीनियर्स की कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पीवाईक्यूज क्या क्या रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, मार्क टॉपिक्स ही पढ़ो. उसके बाद देयर वाज दिस ऐप कॉल्ड द एनाटॉमी एटलस और समथिंग. मैं तो कुछ पिक्चर है कुछ लगा दूंगी एंड मैं लिंक डाल दूंगी नीचे. सो दैट वाज वेरी हेल्पफुल. उसमें 3D तुम विजुअलाइजेशन कर सकते हो ऑर्गन्स की. तो मैं अश्विनी सर की वीडियोस देखती थी, मैं उनके नोट्स बनाती थी, उसके बाद मैं बी डी सी सब कुछ अच्छे से पढ़ती थी. डी हॉल में मैं बहुत अटेंटिव रहती थी, मैं साथ साथ देख लेती थी डिसेक्शन जब हो रही थी. आई वॉज नेवर द किड हु डू डिसेक्शन, मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन सीइंग कि अच्छा क्या आगे क्या दिख रहा है. तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता था. डी हॉल में एक्टिव रह के मैं डी हॉल में अपनी फाइल कंप्लीट कर लेती थी या पढ़ लेती थी एंड उसके बाद मैं जो एटलिस थी उसमें विजुलाइज करने के लिए यूज़ करती थी उसको, ताकि मेरे को हेल्पफुल हो जाए. एनाटॉमी इज अ सब्जेक्ट जो कंसिस्टेंटली तुम्हें थ्रू आउट द ईयर पढ़ना ही पड़ता है, बिकॉज स्टेज होती है. स्टेज इज बेसिकली टेस्ट ऑफ एवरी यूनिट. तो स्टेज होती रहती है एंड डू नॉट मिस एनी स्टेज, बिकॉज फर्स्टली इंटरनल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सेकेंडली दे विल रियली हेल्प यू. तुम्हारी एनाटॉमी एटलीस्ट इतना मेजर चंक ऑफ सिलेबस तुम्हारा कवर हो जाता है. आई नो बहुत टफ लगती है, नो बहुत डिफिकल्ट लगती है एंड
तुम्हें लगता है कि कैसे याद होगी, क्या क्या कैसे रटेंगे कैसे रहेगी, बट ट्रस्ट मी, हो जाएगा. सेट इनिशियली मैंने बीडी चिडोसा यूज़ नहीं की थी अपर लिम के लिए एटलीस्ट. आफ्टर आई गॉट यूज टू एनाटॉमी एंड आई गॉट द हैंग ऑफ इट वीडियोज देख के एटलेस यूज करके, तब मैं बीडीसी पे मूव की थी. इनिशियली आई यूज विश्राम सिंह, अगेन दैट इज ऑल्सो वेरी गुड बुक. मैंने विश्राम सिंह की न्यूरो एनाटॉमी ही यूज़ की है एंड विश्राम सिंह मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही थी इनिशियली. उसमें बहुत ईजी गुड लैंग्वेज में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है. यू कैन इवन यूज विश्राम सिंह इंस्टेड ऑफ बीडीसी, ऐसे कुछ उतना डिस्टिंक्शन नहीं होता है. एट एंड ऑफ द डे यू हैव टू नो एंड यू शुड लर्न एंड नो अबाउट वॉट यूर स्टडिंग. तो विश्राम सिंह इज ऑल्सो गुड बुक, यू कैन ट्राई बोथ ऑफ दीज आउट. देखो तुम्हारे लिए जो बेटर वर्क करे, ये नहीं कि सब लोग बी डी सी पढ़ रहे हैं तो हमें बी डी सी ही पढ़नी है. अगर विश्राम सिंह इज बेटर वर्किंग बेटर फॉर यू, यू शुड यूज इट. हाउएवर देयर वर सम एरर्स इन इट आई हैव हर्ड, तो वो बस देख लेना कि क्या एरर्स हैं, उनको करेक्ट कर लेना. एम्ब्रियोलॉजी के लिए देर आर टू बुक्स विच आर यूज बाई मोस्ट पीपल. फर्स्ट इज इंदरबीर सिंह एंड सेकेंड इज लैंगमैन. तो इंदरबीर सिंह, मैंने दोनों बुक्स मैंने अपने लिए खरीद के रख ली थी. इंदरबीर सिंह, बोथ ऑफ दीज बुक्स आर वेरी गुड. इंदरबीर सिंह इज समथिंग दैट आई यूज टू रीड बिफोर माई एग्जाम्स. लैंगमैन इज अमेजिंग बट इट इज समथिंग दैट यू के नॉट स्टडी और राइट इन योर एग्जाम्स. तो मेरे हिसाब से इफ़ यू हैव द टाइम एंड इफ यू रियली वॉन्ट एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, लैंगमैन इज अ वेरी गुड बुक. इट हेल्प्स यू फ्रॉम अ वेरी गुड बेस. तो तुम्हें लैंगमैन पढ़ लेनी चाहिए अगर तुम पढ़ सकते हो. बट एज फार एज राइटिंग आंसर्स इन एग्जाम्स इज कंसर्न, इंदरबीर सिंह इज द वे टू गो. इंदरबीर सिंह इज ऑल्सो वेरी गुड बुक. उसमें से बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में, बहुत अच्छे से वे में लिखा हुआ है. मैंने अपने एग्जाम से पहले इंदरबीर सिंह ही यूज़ की थी. मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बना के रख लिए थे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के. सो यू शुड ट्राई बोथ ऑफ दीज बुक्स आउट एंड सी व्हिच वन वर्क्स फॉर यू. आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू टू डू इंदरबीर सिंह बिफोर एग्जाम्स, बट लैंगमैन भी अगर तुम्हें कुछ टॉपिक्स के लिए पढ़नी है तो पढ़ लो, इट्स अमेजिंग. हिस्टोलॉजी के लिए आई स्पेसिफिकली डिड नॉट डू एनी स्पेसिफिक बुक. मैं जितना मेरे जो पीडीएफ्स बनते थे या मैं जितना हिस्टो लैब में देखती थी, नोट करती थी पॉइंट्स, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स एंड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, मैंने पीडीएफ बनाई हुई थी. आई पुट इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल इफ यू वॉन्ट. तो मैं उससे ही पढ़ती थी मोस्टली एंड मैं क्लास में नोट्स लिखती थी. बट सम पीपल यूज डिफॉयर्स एटलस, विच इज ऑल्सो हेल्पफुल. आई डेंट यूज इट मच बट यू कैन गो एंड ट्राई इट आउट. तुम्हें कैसे लग रही है, तुम्हें वर्थ इट लग रही है यूज करने की नहीं. न्यूरो एनाटॉमी की हमारी कॉलेज में बुक जो चलती थी दैट वॉज इंदरबीर सिंह, बिकॉज आर एनाटॉमी एचयूडी हैड ऑल्सो एडिटेड दैट बुक. तो दैट इज अ गुड बुक एंड काफ़ी डिटेल में, काफ़ी अच्छे से उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है. द सेकेंड बुक दैट पीपल यूज इज न्यूरो एनाटॉमी बाय विश्राम सिंह, विच इज़ द वन दैट आई मोस्टली यूज, बिकॉज मेरे को उसमें बहुत एक्स्ट्रा सिंप्लीफाइड मैनर में सब कुछ लिखा मिल गया था. मैंने अश्विनी सर के नोट्स एंड इंदरबीर सिंह फॉर न्यूरो एनाटॉमी ही की थी एंड इट वॉज वेरी हेल्पफुल, जिससे मेरा स्कोर भी इम्प्रूव हुआ था. आई थिंक मेरा न्यूरो एनाटॉमी के स्टेज में हाइएस्ट मार्क्स आए थे इन आउट ऑफ ऑल माई स्टेजेस. सो दैट इज़ वॉट रियली हेल्प मी. बाकी जस्ट सम टिप्स फ्रॉम माई साइड, बिकॉज मेरी एनाटॉमी वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट आउट ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स एंड थ्रू आउट द ईयर आई स्कोर वेरी वेल एंड मे बी आई स्कोर 72%. एज समवन हु स्कोर वेल इन एनाटॉमी, देयर आर सम थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू मेंशन टू पीपल. सो द फर्स्ट थिंग इज स्टे कंसिस्टेंट. एनाटॉमी इज नॉट अ सब्जेक्ट कि तुम लास्ट के 2 महीने में पढ़ के कर सकते हो. कुछ लोग कर लेते हैं, दैट्स गुड फॉर देम, बट मैं कभी नहीं कर सकती थी बिकॉज द सिलेबस इज सो वास्ट. सो आई वुड सजेस्ट कि तुम साथ साथ स्टार्टिंग में वीडियोज देखो, नोट्स बनाओ, अपनी बीबीसी को कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो. जो टेस्ट सीरीज हो रहे हैं उनको थोड़ा सीरियसली दो. आई नो कि कुछ लोग कहते हैं मैटर नहीं करता इंटरनल स्कोर है, बट आई वुड सजेस्ट कि तुम सिंसियरली उन स्टेजेस को दो अच्छे से एंड उनका स्कोर भी नोट डाउन करते रहो एंड इम्प्रूव एंड लर्न फ्रॉम इट. सेकेंडली, विच इज़ अ प्रो टिप जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही थी बिकॉज मेरा स्कोर इम्प्रूव हुआ था इवेंचुअली, इज मेक डायग्राम्स. इवन इफ क्वेश्चन में तुम्हें कुछ बोला हो ना बोला हो, डायग्राम आने को नहीं बनाने को, बना दो. जो भी क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन थायरॉयड ग्लैंड, राइट अ नोट ऑन थर्ड वेंट्रिकल, कुछ भी है, जस्ट मेक अ डायग्राम. राइट अबाउट इट जितना तुम्हें लर्न किया है तो आता है. इट्स नॉट लाइक कि डायग्राम बना के जो मार्क्स मिल जाएगा, लिखना भी होता है. लिखो जितना याद आ रहा है, बट डायग्राम जरूर बनाओ एंड क्लिनिकल के पॉइंट्स लिख दो, चाहे पूछे ना पूछे. राइट क्लिनिकल पॉइंट्स, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल एंड उससे तुम्हारे बहुत मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं एंड यू गेट मोर मार्क्स फॉर इट. थर्डली, अगर तुम्हें कुछ भी लाइक सेम सिमिलर टू द लास्ट पॉइंट, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता हो ना, अगर तुम सिर्फ डायग्राम और क्लिनिकल पॉइंट्स लिख के आ रहे हो ना, दे विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव स्टडीड एंड यू नो. जो वाइवाज होते हैं उनके लिए द यूट्यूब चैनल दैट आई यूज वाज नितेश दावे, उसकी वीडियोज आर अमेजिंग एंड वो मैं एंड मोमेंट में बस बिकॉज प्रैक्टिकल्स हमारे साथ साथ होते थे एंड आई डिडंट यूज टू हैव टाइम टू रीड द बुक फॉर एवरी थिंग. आई यूज टू वॉच हिज वीडियोज एंड आई यूज टू बिंज वॉच दैम बिल्कुल रात को 2-3 घंटे बैठ के एंड वो बहुत हेल्पफुल होता है. तो मितेश दावे इस यूट्यूब चैनल फॉर वीडियोज एंड एनाटॉमी वीडियो स्पेसिमेंट्स के लिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी रेडियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी ये साथ साथ हो जाती है करके. ऑस्टियोलॉजी बी डी सी से पढ़ की भी हो जाती है एंड रेडियोलॉजी अगेन लाइक अगर तुम्हारे कॉलेज में पी डी एफ्स बने हुए हैं सीनियर से, जो तुमने पी डी एफ लिए है या अगर तुम खुद पिक्चर्स क्लिक करके मार्क कर लो, दैट इज मोर देन इनफ.
सरफेस मार्किंग इज समथिंग जो एंड तक किसी को भी अच्छे से नहीं आती है. दैट इज लिटरली तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सा आ गया. जस्ट मेन मेन जो होते हैं पैरोटिड डक्ट एंड कुछ कुछ हार्ट का एंड प्लूरल उसका, मतलब वो जो भी है मेन मेन, अगर तुम वो भी कर जाओ ना तो अगर तुम्हारा लक अच्छा है तो यू विल गेट दैट. बट अदरवाइज सर्फेस मार्किंग इज नॉट समथिंग दैट इज इन योर कंट्रोल. वो देखी जाएगी एंड जो आता है जो आता है. फ्रॉम दिस लाइक आई सेड प्रीवियस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नैट में मोस्टली प्रीवियस क्वेश्चन ही आते हैं जो पहले आ चुके हैं. तो यू शुड स्टे इन टच विद द सीनियर्स, टेक मार्किंग्स एंड वही पढ़ने का फायदा है. सब कुछ भी, इट्स नॉट पॉसिबल कि तुम पूरी एनाटॉमी पढ़ लो. इट्स नॉट स्कूल, इट्स MBBS. तुम सब कुछ पूरा हर चैप्टर स्टार्ट टू एंड पढ़ लो एंड तुम्हें सब कुछ याद रहे, तुम अच्छा स्कोर करो, इट्स वेरी अनलाइकली. तो आई वुड सजेस्ट कि स्टिक टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, उन्हीं करो, स्टे कंसिस्टेंट. एंड इफ यू नीड एनी अदर हेल्प, इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग एल्स, यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन. दैट वॉज इट फॉर टुडे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट.